नमस्कार, मैं हूं दिवांजलि मोइत्रा। नागरिकता संशोधन कानून के लागू होने के बाद वैसे तो दिल्ली में पहले ही बहुत कुछ बदल चुका है, लेकिन अब चुनाव के होते ही जो 8 फरवरी को होने हैं, उसके बाद 11 फरवरी को मतगणना होगी, उसके बाद लगता है दिल्ली में बहुत कुछ बदलने वाला है। सरकार बदलेगी या नहीं, इस पर अभी से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन सर्वे के आधार पर जो बात निकल कर सामने आ रही है वो ये है कि दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी की सभाओं ने काफी कुछ बदल दिया है। गुरुवार शाम को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार थम जाएगा। इससे पहले बीजेपी के इंटरनल सर्वे में खुलासा हुआ है, जिसके आधार पर पार्टी दावा कर रही है कि मोदी की बातों का असर दिल्लीवासियों पर पड़ता दिख रहा है। उस सर्वे के आधार पर यह कहा जा रहा है कि जब सोमवार को ईस्ट दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की रैली हुई थी और उसके ठीक बाद दिल्ली के सभी विधानसभा क्षेत्रों में इंटरनल सर्वे कराया गया, जो नतीजे निकल कर सामने आए उस हिसाब से लग रहा है कि शाहीन बाग, सर्जिकल स्ट्राइक, बाटला हाउस जैसे मुद्दों पर पीएम मोदी ने जिस तरह खुलकर अपनी बात सामने रखी, उसका दिल्ली की जनता पर काफी प्रभाव पड़ा। जबकि इससे पहले के सर्वेज में तस्वीर अलग थी। मोदी की रैली से पहले जितने भी सर्वे कराए गए थे उनमें बीजेपी केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को टक्कर तो देती दिखाई दे रही थी, लेकिन नतीजे आम आदमी पार्टी के फेवर में जाते दिखाई दे रहे थे। सर्वे में तो कई सीटों पर कांग्रेस भी बाजी मारती देखी जा रही है, जबकि कांग्रेस तो चुनाव के लिहाज से कोई जोर भी नहीं लगा रही। सर्वे में बीजेपी को जहां 27 सीटें मिलती दिख रही हैं, वहीं आम आदमी पार्टी को 26 और कांग्रेस को भी 8 से 9 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि बाकी की सीटों पर पार्टियों के बीच में कड़ा मुकाबला है। आखिरी में तो नतीजे किसी के भी पक्ष में जा सकते हैं। दिल्ली का ये मिजाज पीएम मोदी की मंगलवार की शाम को भी वेस्ट दिल्ली के द्वारका इलाके में रैली के बाद बदला, जहां उन्होंने एक बड़ी रैली को संबोधित किया था, जबकि कुछ सीट ऐसी हैं जिन पर बीजेपी को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत थी। लेकिन अब तो समय ही ज्यादा नहीं बचा। सर्वे में सामने आया है कि दिल्ली में करीब दर्जन भर सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी दूसरे नंबर पर भी नहीं बल्कि तीसरे नंबर पर आई है। इनमें सबसे ज्यादा मुस्लिम बहुल इलाके हैं, जो कि CAA के चलते मोदी सरकार से खासे नाराज हैं, और फिर कुछ रिजर्व सीटें भी हैं जिनका बीजेपी के खाते में जाना मुश्किल है। इन सीटों पर चुनावी मैदान में कूदने वाली तीनों ही पार्टियों के बीच में कांटे की टक्कर होने वाली है। अब तो परिणाम ही दिल्ली का असली रुख बताएंगे, क्योंकि चुनाव प्रचार भी थमने ही वाला है। उसके बाद 8 फरवरी को मतदान होगा और 11 फरवरी को मतगणना होगी। बाकी दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने तो पानी, बिजली, मुफ्त किराए पर और फिर मोहल्ला क्लिनिक्स के नाम पर जमकर प्रचार किया है। साथ ही CAA, NPR और NRC पर चुप्पी भी साधी है, जिसका जवाब अब जनता उन्हें मतदान के दिन देगी, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस कम से कम इस मामले पर तो अपना स्टैंड साफ किए ही हुए थे। अब इंतजार कीजिए चुनाव के परिणाम आने का, उसके बाद ही पता चलेगा कि किसने बदली दिल्ली की हवा। बीजेपी को CAA का फायदा मिला या फिर हुआ भारी नुकसान, या फिर दिल्ली वासियों को पसंद आ गए केजरीवाल। दिल्ली के विकास में हर दिल्लीवासी के पसीने की महक है। ये चुनाव दिल्ली के इसी गौरव को, 21वीं सदी की पहचान और शान देने का संकल्प है। ये चुनाव एक ऐसे दशक का पहला चुनाव है जो 21वीं सदी के भारत का और 21वीं सदी में भारत की राजधानी का भविष्य तय करने वाला है, और इसलिए 8 फरवरी को पड़ने वाला वोट सिर्फ सरकार बनाने के लिए नहीं, इस दशक में दिल्ली के विकास को नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए होगा। साथियों, सीलमपुर हो, जामिया हो या फिर शाहीन बाग, बीते कई दिनों से सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लेकर प्रदर्शन हुए। क्या ये प्रदर्शन सिर्फ एक संयोग है? जी नहीं, ये संयोग नहीं, ये एक प्रयोग है।
इसके पीछे राजनीति का एक ऐसा डिजाइन है जो राष्ट्र के सौहार्द को खंडित करने के इरादे रखता है। ये सिर्फ एक कानून का विरोध होता तो सरकार के तमाम आश्वासनों के बाद ये समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस राजनीति का खेल खेल रहे हैं और वो सारी बातें अब उजागर हो चुकी है। संविधान और तिरंगे को सामने रखते हुए ज्ञान बांटा जा रहा है और असली साजिश से ध्यान हटाया जा रहा है। साथियों, हमारा संविधान ही देश की न्यायपालिका, हमारी अदालतों का आधार है। संविधान की भावना के अनुरूप ही न्यायालय चलते हैं, लोगों को इंसाफ देते हैं। समय समय पर अलग अलग केसों में अदालतों की, हमारे देश की सर्वोच्च अदालत की भावना यही रही है कि विरोध प्रदर्शनों से सामान्य मानवी को दिक्कत न हो, देश की संपत्ति का नाश न हो। प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा, तोड़फोड़, आगजनी पर हमेशा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने अपनी नाराजगी जताई है, लेकिन ये लोग अदालतों की परवाह नहीं करते हैं। ये कोर्ट की बात ही नहीं मानते और बातें करते हैं संविधान की। जिस संविधान ने न्यायपालिका को बनाया और न्यायपालिका जो कह रही है उसको मानने को तैयार नहीं, और दुनिया को संविधान दिखा रहे। अब देखिए इस वजह से कितनी दिक्कत हो रही है। दिल्ली से नोएडा आने जाने वाले लोगों को दिल्ली की जनता इसे देख भी रही है, समझ भी रही है, वो चुप है, साइलेंट है। और वोट बैंक की इस राजनीति को देखकर दिल्ली का नागरिक गुस्से में भी है। साथियों, इस मानसिकता को यही रोकना जरूरी है। साजिश रचने वालों की ताकत बढ़ी तो फिर कल किसी और सड़क, किसी और गली को रोका जाएगा। हम दिल्ली को इस अराजकता में नहीं छोड़ सकते। इसको रोकने का काम सिर्फ दिल्ली के लोग कर सकते हैं। भाजपा को दिया हर वोट ये करने की ताकत। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, दिल्ली के गरीबों का क्या गुनाह है जो उन्हें 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा देने वाली आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं मिलता। आयुष्मान भारत योजना में एक विशेषता है, इतने में आपको समझ आएगा कितना लाभ है। मुद्दा 5 लाख का नहीं है। अगर दिल्ली का कोई नागरिक जो इस योजना का लाभार्थी है वो किसी काम से ग्वालियर गया, भोपाल गया, सूरत गया, नागपुर गया, हैदराबाद गया, चेन्नई गया और अचानक वहां बीमार हो गया, तो मोहल्ला क्लिनिक वहां जाएगा क्या?